महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मॉनसून पूर्व शेष इमारतों का सर्वे लिया है। सर्वे में महाड़ा को दक्षिण मुंबई की 21 इमारतें नागरिकों के आवास के लिए अयोग्य पाई गई। महाड़ा ने 21 इमारतों को अति खतरनाक घोषित कर दिया है। इमारत को खाली करवाने की प्रतिक्रिया आरंभ की है। इन इमारतों में कुल 460 परिवार रहते हैं, जबकि 257 नागरिक इमारत का कमर्शियल उपयोग करते हैं। महाड़ा ने इमारत क्रमांक 144 एमजी रोड 1163101111 12 इमाम रोड 74 निजाम स्ट्रीट 131 किका स्ट्रीट 166 डी मुंबा देवी 24 ए भोईवाड़ा लेन 42 मस्जिद स्ट्रीट 14 भंडारी स्ट्रीट मुंबई 6464 ए भंडारी स्ट्रीट मुंबई इमारत क्रमांक 135 संत सेना महाराज 3 सेनापुर 2 री क्रॉस लेन इमारत 273-241 फारलेन रोड इमारत क्रमांक 1 खेतवाड़ी 12 गली 31 सी व 33 ए गिरगांव 104-106 मेजगी बिल्डिंग इमारत क्रमांक 15-19 के मार्ग समेत अन्य इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारा कंट्रोल रूम तारदेव में 24 घंटा शुरू है। वहाँ ऐसी कोई आपत्ति आ जाती है तो हमें हमारे हमारे यहाँ सब कॉन्टैक्ट करके नियुक्ति की है। हमारे मैन पावर हमारे पास है, हम हमारे लोग तो तुरंत वहाँ पहुँचेंगे, वो भी हमारी व्यवस्था हमने की है। तीसरी बात है, दो दिन के बाद हमारे मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोंगरे साहब और मैं 21 के 21 बिल्डिंग को हम लोग विजिट करने वाले हैं और वहाँ क्या अगर कोई इमीडिएटली कुछ करने की आवश्यकता है, भले लोग खाली करेंगे तो भी वो गिर के और कहीं नुकसान होना नहीं चाहिए आजू बाजू में, उसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। वो हम लोग 21 के 21 बिल्डिंग के विजिट करेंगे और जिनको आवश्यकता है, मेरे पास सिटी में प्रैक्टिस के हम थोड़े कम पर सुबह में ज़्यादा है तो हम लोग प्रायोरिटी देख के उसका वाटअप करने से हम लोग प्रयास करेंगे। मेरी विनंती है हमारे सभी आड़े कर्मियों को कि आप मृत्यु या वित्त हानि और मृत्यु हानि नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हम कॉपरेट करो, हम आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। मुंबई इमारत मरम्मत और पुनर्रचना मंडल के सभापति विनोद घोसालकर ने कहा कि बुधवार से इमारतों को खाली करवाने की प्रतिक्रिया की शुरुआत की जाएगी। सभी परिवारों की रहने की व्यवस्था संक्रमण शिविर में की जाएगी। 460 परिवारों में से 193 परिवारों ने दूसरे स्थान पर रहने की व्यवस्था खुद कर ली है। बुधवार से इमारत में रहने वालों को घर खाली करने के नोटिस दिए जाएंगे। कहा लीव एंड लाइसेंस सुधा एक नवीन एक्ट रहने मार्ग वैयक्तिक मत है, कारण मुंबई हब है, पुणे हब है, लोक नौकरी धंद्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी येतात, त्यांना जर अशा प्रकारची भाड्याची घर उपलब्ध झाली तो हा वेगळा विषय आहे। आम्हाला वाटतं हाही विषय त्या माध्यमातून चर्चेला आला पाहिजे की लोकांनी एकवेळ शिक्षणासाठी यायचं आणि एवढं मोठं त्या भाड्यावरती किंवा त्या रूमवरती खर्च करायचं, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर असतात, त्याच्यामुळे हा एक ह्या याच्यामधून माझी तर विनंती राहणार आहे की ह्या ह्याच बरोबर एक लिव अँड लायसन च्या माध्यमातून ह्या मोठमोठ्या शहरामध्ये घरं उपलब्ध होतील आणि अशा लोकांना, म्हणजे मी 2 कोटीचं घर कशाला घ्यायचं, मी लिव अँड लायसन माझं जे काही माझं काही ठरलेलं आहे, मी आता मुंबईत किती राहणार, पुण्यात किती राहणार, तर मी ही इन्व्हेस्टमेंट न करता अशा प्रकारची हा कायदा हा एक कायदा वेगळ्या पद्धतीने जर आणता आला तर त्याच्यावर सुद्धा चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे। दस्तावेज के आधार पर नागरिकों के लिए घर संक्रमण शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। घोसालकर के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी नया किरायेदार संबंधी कानून महाड़ा के 1400-500 इमारतों पर लागू नहीं होता है, इस कारण महाड़ा के किरायेदारों को घबराने की जरूरत है। केंद्र ने ये कानून राज्य पर छोड़ा है या उसे लागू करना है या नहीं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।